आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पीडीएफ को एमएस वर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पीडीएफ को एडिट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही होता है कि आप सबसे पहले उसे एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप उसमें एडिट करके आप उसे फिर से पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लीजिए और देन दोस्तों आप उसका यूज करके ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम कैसे कर सकते हैं, आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि हम पीडीएफ को एमएस वर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हम उसे कैसे एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है, इसे हमने डेस्कटॉप पे रखा है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस पीडीएफ को एमएस वर्ड में कन्वर्ट करना है इसे एडिट करने के लिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या पीसी में एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये आपको टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा। तो दोस्तों आपको टेक्स्ट ग्रुप में जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट का आपको। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ठीक है, तो आपको क्या करना है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने लैपटॉप या पीसी के ड्राइव में चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों वो जो पीडीएफ है वो किस फोल्डर में है आपको उस फोल्डर में चले जाना है। तो दोस्तों मेरे केस में जो मेरा पीडीएफ है वो डेस्कटॉप पर है, तो दोस्तों मैं डेस्कटॉप पर आ जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो पीडीएफ है ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस पीडीएफ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद दोस्तों इस पीडीएफ को मैं क्या करूँगा एमएस वर्ड में इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा पीडीएफ जो है एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा पीडीएफ था वो एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर मुझे इसे यूज करके अपने बच्चों को पढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो वाटरमार्क आपको दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, कीबोर्ड पे जो डिलीट बटन है उसे प्रेस करके इसे डिलीट कर देंगे। जितने भी पेज हैं सभी में दोस्तों ये वाटरमार्क लगा हुआ होगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है एक एक करके मैनुअली आपको इस वाटरमार्क को डिलीट करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या करेंगे, पेज को स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद दोस्तों जहाँ जहाँ वाटरमार्क है उसे आप सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों आप डिलीट बटन से इसे डिलीट कर देंगे। जब दोस्तों ये आपका पीडीएफ नीट एंड क्लीन बन जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको एक बार जो है मैनुअली इसे चेक कर लेना है कहीं पर कुछ गलती तो नहीं है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ वर्ड ऐसा है जिसमें कुछ चीज़ें गलत हो गई है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस चीज़ को दोस्तों आपको मैनुअली जो है एक एक करके चीज़ों को ठीक करना होगा। यहाँ दोस्तों जो चीज़ें लिखा हुआ होना चाहिए वो चीज़ें दोस्तों आपको मैनुअली टाइप करना होगा, तभी जा करके दोस्तों ये चीज़ें यहाँ पे ठीक हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है पीडीएफ को एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, तो दोस्तों दूसरा जो तरीका होता है वो होता है ऑनलाइन तरीका। ऑनलाइन पीडीएफ को एमएस वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में ब्राउजर को ओपन कर लेना है, यानी कि आपको सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप गूगल में टाइप करेंगे पीडीएफ 24 और उसके बाद दोस्तों आपको एंटर कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप गूगल में पीडीएफ 24 लिख करके सर्च कर देंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक वेबसाइट नज़र आएगा www.pdf24.org, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे चले जाना है। जब दोस्तों आप पीडीएफ 24 की वेबसाइट पे आएंगे तो दोस्तों इसका जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे दोस्तों आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ टू वर्ड। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस टूल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये आ जाएगा चूज फाइल। तो दोस्तों आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है।
उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप अपने लैपटॉप या पीसी के ड्राइव में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस फोल्डर में चले जाना है जहाँ पे आपका पीडीएफ है। तो दोस्तों आप उस फोल्डर में चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेना है और देन दोस्तों आपको इस पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कन्वर्ट बटन दिया गया है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये एमएस वर्ड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको वो प्रोसेसिंग दिखाएगा कि ये जो पीडीएफ है वो कितने स्पीड में आपका एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोस्तों आपका इंटरनेट स्पीड जितना अच्छा होगा उतने ही जल्दी दोस्तों ये फाइल जो है आपका पीडीएफ से एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब दोस्तों ये कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड बटन शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये कहेगा कि इसे आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कोई भी एक जो है फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर सेलेक्ट किया है और उसके बाद दोस्तों आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। बस इतना ही दोस्तों आपको करना है। इतना करते ही दोस्तों आपका जो पीडीएफ था वो एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ क्लिक कर लेना है और देन दोस्तों आपको यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपके एमएस वर्ड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो चीज़ें आपको रखना है आप उसे रहने दीजिए, जिसे आपको डिलीट करना है उसे दोस्तों आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और देन दोस्तों मैं डिलीट बटन से इसे डिलीट कर दूंगा, तो इस तरह से ये चीज़ें यहां से हट जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटरमार्क है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और देन दोस्तों मैं डिलीट बटन से इसे डिलीट कर दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करता जाऊंगा और डिलीट बटन से दोस्तों मैं डिलीट करता जाऊंगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इसे एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है पीडीएफ को एडिट कर लिया है, यानी कि यहाँ पे जो भी ब्रांडिंग था उसे हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। इसमें दोस्तों जो भी वाटरमार्क लगे हुए थे वो सारी चीजें भी दोस्तों हमने यहाँ से हटा दिया है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको हटा देनी है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट का, आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट पीडीएफ, आपको क्रिएट पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप इसे जहाँ भी सेव करना चाहते हैं आप वो वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसका कुछ भी नाम दे देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना ही दोस्तों आपको करना है और इतना करते ही दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्स था ये आपका वापस से पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बार जो पीडीएफ बना है इसमें दोस्तों आपको कोई भी वाटरमार्क वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आप इस पीडीएफ का यूज करके अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं और इस पे दोस्तों कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसे कैसे रिकॉर्ड करना है और इसे रिकॉर्ड करके कैसे एजुकेशनल वीडियो बनाना है, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इस पीडीएफ को दोस्तों मैंने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पीडीएफ हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में बनके सेव हो गया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस पीडीएफ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। इस पीडीएफ के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ, तो दोस्तों आपको ओपन विथ में आना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एज, आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में इसे ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप इसे माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसे मिनिमाइज कर देंगे और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में ओबीएस स्टूडियो को ओपन कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको मालूम नहीं है कि ओबीएस स्टूडियो सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसे हम कैसे यूज करते हैं, तो दोस्तों इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों आप उस वीडियो को देख करके ओबीएस को डाउनलोड करना सीख सकते हैं, इसे इंस्टॉल करना सीख सकते हैं और इसे यूज करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने लैपटॉप या पीसी में ओबीएस स्टूडियो को ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे फ्लश लोअर थर्ड ऐड करना चाहें तो दोस्तों आप यहाँ से जो है फ्लश लोअर थर्ड ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर फ्लश लोअर थर्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों उसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया है, तो दोस्तों आप उस वीडियो को देख करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि हम अपने वीडियो में फ्लश लोअर थर्ड कैसे लगा सकते हैं और इससे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मैं इस फ्लश लोअर थर्ड को यहाँ पे ओपन कर लूँगा, इसे लूप में चला दूंगा और ओके कर दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये फ्लश लोअर थर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर सोर्स ऐड कर देंगे, उसके बाद दोस्तों स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करके रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे, उसके बाद इसे मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग पीडीएफ में आएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे फिट टू स्क्रीन कर देंगे कुछ इस तरह से, और देन दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट मिलेगा, आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, और देन दोस्तों यहाँ पे जूम वाला ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों आपको यहाँ से इसे जूम कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल कर लेंगे, और देन दोस्तों आप अपने लैपटॉप या पीसी में ग्राफिक पेन टैबलेट कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ टूल पे क्लिक कर लेना है, यानी कि यहाँ से दोस्तों आपको पेन सेलेक्ट कर लेना है, और देन दोस्तों आप यहाँ से पेन कलर सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद दोस्तों आप साइड में क्लिक कर देंगे, और उसके बाद दोस्तों आप जो है इस तरह से ग्राफिक पेन टैबलेट से लिख लिख करके यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आप इस तरह से लिख लिख करके अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों आप पढ़ाते जाएंगे और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होता रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि मैंने OBS में रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ें हम लोग करेंगे ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारा जो OBS है वो रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है। और फ्लश लोअर थर्ड को ऑन करने के लिए यानी कि बीच बीच में शो कराने के लिए दोस्तों हम लोग F प्रेस कर देंगे, जैसे दोस्तों हम लोग F प्रेस करेंगे तो नीचे में जो है चलने वाला टेक्स्ट वहां पे OBS में शो होता रहेगा, और अगर दोस्तों मुझे हाइड करना होगा तो मैं H प्रेस कर दूंगा तो वो चीज़ें शो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए PDF को यूज करके एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों @techmitra चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलें।